स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारी जगह से पढ़े हुए और uh, ब्रिलियंट स्कॉलर इकोनॉमी में पीएचडी काम रहा इंडिया में पॉलिटिकल क्षेत्र में उसके अलावा माना जाता है कि और यथार्थ भी है ही इट इज ट्रूथ दैट ही रिनाउंसड एंड एक्सेप्टेड बुद्धिज्म बट हिज वर्क हैज ऑल्सो बिना रिफॉर्मिंग उन्होंने ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिससे हिंदुज्म में बहुत ज्यादा रिफॉर्म हुए हैं इसी चीज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों एंड अस मूव फॉरवर्ड लकम आम शेखर चौधरी लेट एस गो एंड सी हाउ डॉक्टर अम्बेडकर वॉज एबल टू इम्पैक्ट दिंदू रिलीजन एंड हेल्प इन इट्स रिफॉर्मेशन सो आप में सुना होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर का व्यू हिंदुज्म के बारे में और एंटाई भी है बहुत जगह पर मनुस्मृति को जलाना उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उनके जो वर्क्स हैं अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली एनहिलिएशन ऑफ कास्ट जो बुक है वहाँ पर उन्होंने बहुत ही डिटेल में हिंदुज्म की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बोला है कास्ट के बारे में बोला है साथ में और एक बुक जिसके बारे में मैं एक और वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अटैक किए हैं इसके अलावा उनके कंप्लीट वर्क्स ऑफ डॉक्टर अंबेडकर में बहुत सारी बुक्स हैं जहां पर उन्होंने अटैक किए हैं और वो वाजिब भी हैं बहुत सारे लोग डिसग्री करते हैं पर एज अ स्कॉलर अगर हमें पढ़ेंगे तो पाएंगे ही वॉज वेरी क्लोज टू द रियलिटी राइट सो नाउ यू सी डॉक्टर अंबेडकर एंड हिज व्यू ऑन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया ही कॉल्ड द हिंदू रिलीजन कास्ट एज अ ग्रेडेड इनक्वैलिटी ग्रेडेड ग्रेड है इनइलिटी का देर इज अ ग्रेड वहां पर कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है सो देर इज ग्रेडेड इन इक्वेलिटी यहां पर आपको एक देखने को मिल रहा है हरार की ब्राह्मिंस हैं छत्रियाज है, है, हैं वैश्याज हैं शूद्राज हैं सो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या शूद्राज शूदराज दास्ट ऑफ द हरार थे नहीं शूदराज ने वो सबसे नीचे थे पर फिर भी देवर पार्ट ऑफ दैदिक ट्रेडिशन एंड पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी देर वर अनदर क्लास ऑफ पीपल नाउ वी ऑल्सो कॉल दम मराठी में जो वर्ड है दलित जिसका नंबर नाम होता है मतलब होता है ब्रोकन वहां से ये वर्ड आया है दलित फॉर्मली कॉल्ड अनटचेबल फिफ्थ कैटेगरी जो है विद नो वर्नर का डेजिग्नेशन चारों वर्नर में चतुर्वर्ण में है नहीं वेरियस लो कास्ट पर्सन एंड आउटसाइड द कास्ट सिस्टम राइट सो इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है राइट right? सो so, कहीं पर आपको डेरोगेटरी वर्ड लाइक चंडाल्स मिलेगा लिखा हुआ राइट right? So, आप ये ये व्यू जो थे डॉक्टर अंबेडकर के इसके बारे में ये शेप हुए हैं उनके अपने अनुभव से आप मुझे बताएं आपको कैसा लगेगा कि आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आए हो लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए हो और आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई हो एंड देन यू डू नॉट हैव अ प्लेस टू स्टे इन इंडिया वाई बिकॉज ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हुआ देयर योर अकेडमिक फ्रेंड्स इन इंग्लैंड और यूएसए अब ये कह रहे हैं हमारे घर मत आना क्योंकि हमारी जो श्रीमती जी हैं वो स्वीकार नहीं करेंगी हमें तो आप स्वीकार हो घर के बाहर ही मिल लेते हैं और उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है छोटी सी वेटिंग फॉर वीजा वो बहुत छोटी सी आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन उपलब्ध है सत्रह अठारह पेज की वहां पर वो बता रहे हैं कि वो कैसे छदम रूप भर के और भेष बदल के पारसी धर्मशाला में एज अ पारसी रुके सो ही वॉज वेरी गुड एट इंग्लिश सो नो प्रॉब्लम वहां पर उन्होंने बताया कि आई एम नॉट दलित आई एम पारसी राइट right? और फिर पता चल गया कि पारसी नहीं है वो तो दलित है लोगों ने धक्के मार के निकाल दिया ऐसे ही बहुत सारे अनुभव उन्होंने शेयर किए अलग अलग रिलीजन में राइट सो नाउ लेट अस सो ही हैड हिज व्यू एंड ही इन द हिस्ट्री हिस्ट्री हैज नॉट बीन काइंड टू हिम एंड द कास्ट ही वाज कमिंग फ्रॉम महार जाति से थे और जो वैसे तो उनके जो पिताजी थे एक आर्मी बैकग्राउंड से उनका परिवार था बेटर ऑफ थे और लोगों से बट स्टिल स्टिल पुअर एंड फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी महाजाति से नाउ सो द आर्ग्युमेंट इज दैट ही हैज वर्कड एज अ रिफॉर्मर कि इन्होंने रिफॉर्मर की, की भूमिका निभाई है दैट इज द आर्ग्युमेंट सो हम देखते हैं कि रिफॉर्मर की भूमिका कैसे रिफॉर्मर कौन होता है जो सुधार कर पाता है सो so देखिए uh, वैसे तो अगर डॉ अंबेडकर के बारे में बोला जाए सो so there could be a lecture of 3 4 hours right there would be not enough that space would not be enough time would not be but still since information important and delivered within शॉर्ट टाइम दैट वुड सर्व योर पर्पज एंड यू कम टू नो वॉट डॉक्टर काला राम टेम्पल है नासिक के पास उसमें टेम्पल एंट्री की बात करी मार्च उन्होंने संघर्ष किया यहां पर और सारे के सारे लोग जो दलित समुदाय के थे बहुत हजारों की संख्या में आए और अंदर जाने का प्रयास किया एंट्री करने का प्रयास किया दोस्तों सत्याग्रह अपनाया गया नॉन वायलेंट मीन अपनाया गया मुंबई बॉम्बे जो पुलिस उस समय राज्य वहां की पुलिस ने पूरा प्रबंध किया ना घुसने दिया जाए और एक तरीके से वो वहां की पुलिस उस समय की पुलिस एक जो कास्ट हर को स्टैब्लिश स्टेटस को बनाए रखने के लिए ही काम कर रही थी राइट यहां पर हम देखते हैं दिस सत्याग्रह द कालाराम टेम्पल सत्याग्रह कंटिन्यूड फॉर फाइव इयर्स फाइनली खोले गए दरवाजे लोगों के लिए अनटचेबल्स के लिए और ये जो टैग था अनटचेबल्स का ये हटाने में मदद करी और इक्वल राइट देने में मदद करी पर पर डॉक्टर अंबेडकर का और भी कुछ कहना है उनका ये कहना था कि मैंने ये जो कोशिश करी थी ये इसलिए नहीं करी थी कि बिकॉज आई वॉन्टेड द डिप्रेस क्लास अनटचेबल टू बिकम वर्शिपर्स ऑफ आइडल्स मूर्ति पूजक नहीं मैं बनाना चाहता था परंतु ये मेरा मानना था आई बिलीव टेम्पल एंट्री वुड मेक इक्वल मेंबर्स इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हिंदू सोसाइटी कि मेरे समाज के लोगों को और दलित समाज के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि एक क्या मिलेगा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वो इक्वली अपने को इक्वल पा पाएंगे पूरी की पूरी हिंदू समाज में क्योंकि वो जानते थे कि जो उनकी जाति से लोग आ रहे हैं और जो डिप्रेस क्लास से लोग आ रहे हैं वो इतने ज्यादा इंपावर्ड नहीं हैं तो उनको एज अ हिंदू टोटल सोसाइटी में ही अपनी जगह बेहतर करनी है इसीलिए ये देखिए वहां पर रिफॉर्म करना चाहते थे इमेजिन करिए पांच साल सत्याग्रह चला है राइट right? सो so हम जब अपने नेशनल मूवमेंट में सत्याग्रहों की बात करते हैं तो इतने साल तक हम गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाए उनको कंपेयर करिए जरा इसके बारे में कितना कम लोगों को पता है और लोगों को पता होना चाहिए राइट सो यही प्रयास है सो दिस दिस एंगल ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एंड ट्राइंग टू राइट टेम्पल एंट्री मूवमेंट बंद हो जा दो हजार बाईस तेईस दो हजार इक्कीस के बीस के भारत में भी यह हुआ है सो वन ऑफ दी प्लेस इन उत्तराखंड नियर विकासनगर देहरादून वेरी रिसेंट टाइम्स आई वॉज रीडिंग मिस्टर तरुण विजय एक बीजेपी uh, के एम पी साहब हैं राज्यसभा के उनका लेख में पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे दिस वॉज दिसम फॉलोअर्स रीड वॉट डॉक्टर लिख के गए हैं कि आज भी ये हो रहा है तो ये नहीं होना चाहिए ये हमारा सबका प्रयास होना चाहिए तो अगर हम उनके रिफॉर्म्स को मानते हुए आगे बढ़े तो बेहतर चीजें हो सकती हैं इसके अलावा सो दोस्तों वेलफेयर स्टेट स्टेट की स्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है कि हम इक्वालिटी से सबको ट्रीट करें इक्वेलिटी से ट्रीट करने के लिए जरूरी है कि हम जो चीजें हैं उसमें रिफॉर्म करें और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट में ऐसी चीजें बहुत आपको पढ़ने को मिलेगी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेकर अपना रैंक सिक्योर कर सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में साथ में मेरा नाम है शेखर चौधरी और एस लाइव मेरे इनिशियल्स यूज करके आप बहुत भारी डिस्काउंट पा सकते हैं मैं आपको यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आई हैव वर्कड एज एट द लेवल ऑफ सब डिविजन इन उत्तर प्रदेश प्रशासन 2015 में मेरा सिलेक्शन हुआ था पीसीएस में उससे पहले आई ऑफ द वेरी डिटेल थिंग्स एंड एक्शन पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई एम ऑल्सो नेट क्वालिफाइड इन इट एंड ऑल्सो पी एच डी स्कॉलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी नाउ सो दैट बींग सेट अबाउट मी ये जो कोर्स है ये आपका शुरू हो रहा है बाईस ऑफ ट्वेंटी सेकेंड ऑफ मे बाईस मई से साथ में इसमें क्लासेस हैं डिटेल लाइव क्लासेस एक से चार बजे तक टेस्ट सीरीज हैं और आपको देखने को मिलेगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके डाउट क्लियर होंगे सो ऑल टू ऑल इन ऑल विन सिचुएशन है बहुत अच्छा पैकेज है डू इन योर सेल्फ नाउ मूविंग अ रिफॉर्मर डॉक्टर अंबेडकर वॉज रेगुलरली ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव थिंग राइट हिज आइडिया वॉज नॉट टू डिनाउंस इनिशियली हिंदुज्म जील वॉज देयर वो बाहर से पढ़ के आए थे उन्होंने सोचा चीजों को चेंज करेंगे क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स उससे पहले हो ही रहे थे आपने देखा होगा एटीन एटीज नाइनटीज के समय बहुत सारे रिफॉर्म्स uh, भारत में चल रहे थे उससे पहले भी राजा राम मोहन रॉय हो गए चंद्र विद्यासागर हो गए बंगाल में और जगहों पर भी चाहे महाराष्ट्र हो या नॉर्थ इंडिया चीजों को सही करने का प्रयास चल रहा था अब देखिए ऐसा ही एक प्रयास था जात पात तोड़क मंडल ऑफ लाहौर इन 1936 तो यहां पर डॉक्टर अंबेडकर एनिलियशन ऑफ कास्ट यहां पर दिख रहा है उनकी ये स्पीच थी और डॉक्टर अंबेडकर एम ए पी एच डी डीएससी बैरिस्टर एट लॉ और एनुअल कॉन्फ्रेंस होनी थी जात पात तोड़क मंडल की लाहौर में गए पर द स्पीच वॉज नॉट डिलीवर्ड द स्पीच वॉज नॉट डिलीवर्ड वाई सो द वाज स्पीच नॉट डिलीवर्ड बिकॉज़ बिकॉज़ इट वॉज अनबियरेबल टू द कॉन्फ्रेंस होल्ड स्पीच वुड बी अनबियरेबल क्योंकि उसमें इतना घातक जो हिंदुज्म में कास्ट सिस्टम था उसके ऊपर प्रहार किए गए थे कि लोग ये तो कह रहे थे कि हाँ हम पास प्रयास तो करना चाहते हैं क्योंकि संस्था का नाम ही है जात पात तोड़क मंडल पर आपके जो विचार हैं वो तो बहुत ही ज्यादा है, रेडिकल हैं इनको हम जगह नहीं दे सकते राइट सो so फिर इनको जब जगह नहीं मिली तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही पब्लिश कर दी और फिर ये जब पब्लिकेशन से आई तो एनिलियशन ऑफ कास्ट अभी रिसेंट टाइम्स में अरुंधति रॉय जी ने आ, एक इसी किताब को दोबारा से फॉरवर्ड लिख के लाइन दो चार पांच साल पहले की बात है उससे थोड़ा छह सात साल पहले और ये दोबारा से काफी लोगों ने पढ़ी क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इसके बारे में पता चला एनिलियन ऑफ कास्ट स, कास्ट का पूरा समाप्त सम, खत्म होना उसका राइट सो so, ये दोबारा से लिटरेचर आया और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग इस समय क्या होते हैं पढ़ना चाहते हैं जानना चाहते हैं बहुत इनके बारे में लिखा जा रहा है आई एम ऑल्सो One of the जहां मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं इनका ये वाला एंगल बताना चाहता हूँ so की मैरिज uh, इंटरकास्ट नहीं होती है और स्क्रिप्चर्स में भी कुछ नहीं बदला जाता है दे कैन नॉट बी रिफॉर्म्स इन हिंदुज्म कहना था इन्होंने वेदों में जो लिखा है पुराणों में जो लिखा है मनुस्मृति में जो लिखा है बहुत सारी जगहों पर इनका इनके विचार में वो चीजें सही नहीं है कुछ जगहों पर उसको सुधार कर सकते हैं पर उस समय के हिसाब से ये विचार रेडिकल माने गए और इन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी जील रिफॉर्म की आगे बढ़ाई रखी एक और दोस्तों एक आर्ग्यूमेंट में बताना चाहता हूं एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जाति लोगों ने पैदा कर दी डिस्क्रिमिनेशन ऐसा ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है यह भी एक मानने लायक आर्ग्यूमेंट है परंतु सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होता है आज के समय में यदि आपको वो चीजें प्रैक्टिकल होती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं सो so, प्रैक्टिकली अगर आप देखें जैसा मैं भी प्रशासन में रहूं आप भी पढ़ते हैं आज भी हम अपने ही समाज के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस समाज के रूप में कर रहे हैं इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर कहीं ना कहीं सही थे अब हम बात करते हैं और कुछ चीजें वैसे तो चैप्टर अगर मैं लेक्चर को देखूं सो वी कैन ऑल्सो कवर मेनी ऑफ द थिंग्स कि वीमेन के लिए क्या किया वर्किंग क्लास के लिए क्या किया राइट right? भी पार्ट ऑफ हिंदुज हैं उनके लिए क्या किया सो बट ओवर हियर द मेन फोकस हैज बीन कास्ट इन दिस लेक्चर सो रिफॉर्म नाउ रिफॉर्मर डॉक्टर अंबेडकर एज रिफॉर्मर आगे मैं बात करता हूं सो so, ही सेड इन्होंने जो बुक में लिखा है एनिलेशन ऑफ कास्ट उसमें लिखते हैं कास्ट डिसऑर्गेनाइजेज एंड डिमोरलाइजेज हिंदू सोसाइटी ये आज के समय में बहुत लोग लिख भी रहे हैं कि सोसाइटी में जो हमने डिविजन किए थे तो डिसऑर्गेनाइज कर दिया और डिमोरलाइज कर दिया जैसे इनका एक आर्ग्यूमेंट है इनका ये आर्ग्यूमेंट है कि बहुत सारे अटैकर्स आए इंडिया में अटैक करने वाले आए इंडिया पे अटैक हुए क्यों इंडिया में इतने सारे अटैकर्स आए और सक्सेसफुल हो गए सो डॉक्टर अंबेडकर एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो कास्ट हायरार्की है वहां पर केवल ब्राह्मण क्षत्रिय इस वर्ग को ही कहा गया था कि यू हैव टू बी फाइटर्स सो जब बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी फाइटर्स की भूमिका निभा रही है सो so ऑब्वियसली और ज्यादा लोग जो हैं यहां पर जो हैं और यहां पर जो हैं वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए बाहर से आक्रमण हो रहे हैं बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी वी आर नॉट एबल टू थॉट उनको रोक नहीं पा रहे हैं सो so, कहीं ना कहीं तो लॉजिक बिल्कुल ठीक बैठता है इसी संदर्भ में वो कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हैज बीन हिस्ट्री ऑफ डिफीट एंड डार्कनेस सो उनका ये आर्ग्यूमेंट है उनका ये आरोप है कि हिस्ट्री ऑफ हिंदुजम डिफीट और डार्कनेस की है क्योंकि कास्ट ने क्या किया पर्दा डाल दिया इग्नोरेंस का और कास्ट ने जब पर्दा डाल दिया तो उससे क्या होगा इग्नोरेंस व्यक्ति हो जाएगा इग्नोर करेगा रियालिटी को तो कमजोर होगा ही राइट सो हिज व्यू अबाउट नाउ गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के भी जो संबंध थे वो बहुत मधुर संबंध नहीं थे आपने 1932 के के बारे में पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा होगा सो सेपरेट इलेक्ट्रोरेट के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर में एक संवाद होता है सेपरेट इलेक्ट्रोरेट मिल रहा होता है गांधी जी भूक भूखे और सत्याग्रह पे चले जाते हैं भूख हड़ताल एक तरीके से जिसे हम कहेंगे डॉक्टर अंबेडकर जानते हैं कि गांधी जी को अगर कुछ हो गया तो उनकी कास्ट के लोगों को बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी और ये वो लिखते भी हैं बीबीसी का एक इंटरव्यू भी है वहां पर आप देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर व्यू ऑन गांधी जी वहां पर वो कह रहे हैं उस चीज को सो ऑब्जेक्टेड टू एनिलियेशन ऑफ कास्ट इवन गांधी जी ने ऑब्जेक्शन किया कि एनिलियशन ऑफ कास्ट आपकी क्या है बहुत अच्छी किताब नहीं है बाद में क्योंकि ये तो नाइनटीन में हो रहा था और थर्टी सिक्स में ये लेक्चर डिलीवर करने गए पर गांधी जी जो जाति के जाति को ध्वस्त करने के लिए गांधी जी के जो विचार थे वो डॉक्टर अंबेडकर के विचार से हंड्रेड परसेंट मास मैच नहीं करते थे गांधी जी का मानना था कि जाति रह सकती है और फिर भी हम रिफॉर्म कर सकते हैं और डॉक्टर अंबेडकर का मानना था एनिलियेशन करना जरूरी है पूरी तरह ध्वस्त करना जरूरी है सो so, गांधी जी के विचार भी यही थे कि डॉक्टर अंबेडकर को ये जो लिखा हुआ है इसमें मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं ठीक है दोनों हमारे नेशनल लीडर्स रहे हैं सो नाउ बट गांधी जी हिमसेल्फ डिड अ वेरी बिग थिंग सो अगेन अ रिफॉर्मर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डॉक्टर अंबेडकर कैसे देखिए uh, एक मैं सोर्स बता दे रहा हूं आपको कैरावैन मैगज़ीन में आर्टिकल मैंने पढ़ा था कैरावैन मैगजीन है ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं कि देर इज ऑफ़ मेजोरिटी ऑफ हिंदूज इन इंडिया 2011 का सेंसस कहता है कि 79% सेवेंटी 79 परसेंट 80% समथिंग इन बिटवीन परसेंटेज देर आर हिंदूज इन इंडिया बट अगर आप देखें डॉक्टर अंबेडकर अगर गांधी जी की बात ना मानते और सेपरेट इलेक्टोरेट को कहते कि नहीं हमें चाहिए तो भारत की मेजोरिटी ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस और आपका शेड्यूल क्लासेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आ रही है अलग एक सॉलिड ग्रुप बन सकता था और वो हिंदुज्म से अलग हो सकता था पर यह मान के डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से एक तरीके से हिंदुज्म में कोहेजिवनेस बनाए रखने में अपना योगदान दिया बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि डेमोग्राफी बहुत ही पावरफुल चीज है राइट और अगर हम बात करें तो वैसे तो ऑफिशियली एबॉलिश हो गई है नाइनटीन में और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर और भी हमारे जो आ, हमारे राष्ट्र के बड़े नेता समझदार नेता जो थे लीडर्स थे वो इस बात को समझते थे इसीलिए आर्टिकल 15 हो आर्टिकल 16 हो क्वेलिटी हो चाहे हमारे आ, सरकारी जॉब में या प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन हो आर्टिकल 15, 16 इन सब में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान में डायरेक्टली क्या है चीजों का डिस्कशन है या अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को एबॉलिश करना हो या इसके अलावा अन्य तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके लिए लॉज भी बनाए गए जैसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है राइट सो so, ऑन एस सीज एंड एस टीज राइट सो ये सब कैसे आए हैं यह सब प्रयासों से आए हैं तो इसीलिए वैसे तो कास्ट का एबॉलिशमेंट कर दिया गया है और कास्ट कंटिन्यूज टू ऑर्गेनाइज दाइफ ऑफ मॉडर्न इंडिया यह भी बात है और यह भी आर्ग्यूमेंट है क्योंकि अगर आप देखें सो आई वॉज रीडिंग वन ऑफ द रिसर्च पेपर एंड दैट से अराउंड टेन परसेंट अप्रोक्सिमेटली टोटल मैरिजेस इन इंडिया टेन परसेंट से भी कम इन हिंदू सोसाइटी लेस देन टेन परसेंट ऑफ आर टोटल इंटरकास्ट मैरिज राइट दैट इज फार मोर इन सोसाइटी मोर देन ट्वेंटी कैन बी इंक्रीज इन इन अ वे बाय बाय हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट भी क्या कर रही है बहुत सारे लोगों को जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कास्ट के साथ सो so, वहां पर उनको प्रलोभन दे रही है इंड्यूसमेंट दे रही है ताकि ये बढ़ावा हो ताकि हम एक नेशन बन सके राइट सो परंतु अभी भी मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर मैरिंग इन टू देयर ओन कास्ट ओनली दैट इज ऑल्सो रियालिटी देर वुड बी नो मैसेव इंटरकास्ट मैरिजेस ये जो कास्ट है वो उसका जो एक डिस्क्रिमिनेटरी रूप है वो नहीं जाएगा ये भी हमें मानना है सो so, परंतु अभी भी सोशल लाइफ जैसे ग्रामीण एरिया में आप जाएंगे अभी भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है अभी भी आज की डेट में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है आज की डेट में भी टेंपल एंट्री के लिए लोगों को हटाया जाता है और वॉयलेंस भी हो जाता है उत्तराखंड का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया एक दो साल पहले का एग्जाम्पल है आज भी आपको भारत में अखबारों में देखने को मिलेगा नाउ सो दिस इज ऑल हिज व्यूज एंड डिफरेंट परस्पेक्टिव ही इज कंटिन्यूसली ट्राइंग टू टेल हिंदू सोसाइटी दैट इट इज द कास्ट विच हैज हैज बीन अ वेरी बैड वेरी बैड वेरियबल इन देर पास्ट इन देर हिस्ट्री और इसको खत्म करो लगातार वो कोशिश तो कर लगातार कर रहे हैं okay, so, uh, कोशिशें है, उनकी कामयाब नहीं होती हैं तो हम ये मान सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर वाज अ हेड ऑफ हिस टाइम्स डॉक्टर अंबेडकर बहुत जल्दी चीजों को चाह रहे थे और जो इंस्टीट्यूशन हजारों साल से भारत में है उसको इतनी जल्दी एबॉलिश करना नामुमकिन था सो so, फिर डॉक्टर अंबेडकर के पास क्या रहा था जब उन्होंने अथाह प्रयास किए रैशनल व्यक्ति थे उन्होंने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन तब भी उनको देखने को मिला उनके साथ या क्योंकि वो तो बहुत पढ़ गए थे उनके आसपास के लोगों के साथ अभी भी डिस्क्रिमिनेशन था या उनको सुनने को मिलता था या डेली बीइंग अ मिनिस्टर ही वाज गेटिंग न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड दैट थिंग्स आर नॉट चेंजिंग सो देर वाज अ सेंस ऑफ पेन इन इज हार्ट सो ही डिक्लेयर्ड अर्लियर एंड लेफ्ट हिंदुज्म वैसे तो उनको पक्का हो गया था उनके प्रयास जब फेल होने लग गए थे कि मुझे छोड़ना तो पड़ेगा ही सो so, योला में डिक्लेरेशन हुआ महाराष्ट्र में एक जगह है उन्होंने अक्टूबर 13, 1935 में क्या करा था डिक्लेरेशन करा था कि जी मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उसमें नहीं मरूंगा और वो जो डिक्लेरेशन था सबको स्तब्ध कर दिया था कि ये क्या हो रहा है और ये लोग भी जानते थे कि हमारे जो लीडर्स हैं वो भी कि ये बड़ा ही एक रॉन्ग प्रेसिडेंट होगा बहुत सारे हिंदू में जो शेड्यूल कास्ट हैं वो कन्वर्ट होंगे आज भी ये हो रहा है राइट right? और वैसे तो हमारा धर्म आ, हमारा देश क्या है एक सेक्युलर कंट्री है उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई भी किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है इसके अलावा सो हिज हिज व्यू वॉज एंड आई कोट आई विल नॉट डाई एज अ पर्सन हु कॉल्स हिमसेल्फ अ हिंदू

प्रयास किए हो चाहे कास्ट को एबोलिशन के करने में प्रयास किए हो परंतु फिर वो निराश हुए और नागपुर में अक्टूबर 14 1956 उन्होंने अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ नागपुर में बुधिज्म को अपना लिया अलग-अलग फिगर्स -अलग मैं देख रहा था लिखे हुए हैं कहीं पर लिखा है आ, 5 लाख कहीं पर लिखा है 365000 ,00, सो so, अराउंड मान सकते हैं 4-5 लाख ,00 लोगों के साथ ही एम्ब्रेस्ड बुधिज्म सो दैट वाज फाइनल He embraced Buddhism, Navayana Buddhism. Ko, Buddha ko mana ki he could be a liberator for the people of depressed classes in India. Right. And he also, he also gave strong argument to people that educate yourself and agitate. Come together, form cohesiveness. This was his ideas that he was regularly trying to pass on to the Indians and India. इंडिया हिंदुइज्म इज अ मेजोरिटी ऑफ रिलीजन इफ हिंदुइज एक्सेप्ट पीपल ऑफ हिंदू फॉलोअर्स एक्सेप्ट हिज व्यूज एंड ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन जैसा कि मैंने बताया रिसेंटली भी बहुत लोग लिख रहे हैं वी शुड लर्न फ्रॉम हिज राइटिंग्स सो दैट इज द मेन क्रक्स दैट इज द मेन आर्ग्यूमेंट दैट वी नीड टू पुट आर ब्रेन्स टू

Our nation into a place which will be truly a Guru, which will be truly a welfare state, which will be truly a state which has an identity pan-India that is being Indian. So we are Indian firstly and lastly. This is the last of the message that I am trying to put on by from the side of Dr. Ambedgar. So, Dosto, this was one of my uh Yemera Prayasta ऐसे डॉक्टर अंबेडकर के जो व्यूज हैं आप तक पास ऑन करना और पब्लिक एड बाय शेखर जो चैनल है टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं आई टीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो टेलीग्राम पे भी आपको यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आंसर राइटिंग सैंपल और साथ में हैंड मेड हैंड रिटन नोट्स साथ में करंट अफेयर्स के बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर मैं अपडेट करते रहता हूं टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर सो डियर फ्रेंड्स दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे दिस इज ऑल वी हैव फॉर टुडे सो ऑन दिस नोट जय हिंद जय भारत स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल